पता चला कि दीपक मिश्रा की एक लड़की पागल हो गई है। आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण में हमारी याचिका संख्या 387/2020 की सुनवाई थी, जिसमें हमने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए थे कि वो हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, कुल मुक्ति पर जन पर रोक लगा रही है, जबकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने 13 जनवरी 2015 और 9 नवंबर 2015 के आदेश में स्पष्ट कहा था कि हमने पुल मुक्ति विजन पर कभी रोक नहीं लगाई है। हमने सिंचाई विभाग को, MCD को, इन सबको आदेश दिया है कि वो अधिक से अधिक संख्या में घाट बनवाई अपना कराए, ताकि लोगों को पुल मुक्ति विजन करने में किसी प्रकार की बाधा ना आए। किंतु जिस प्रकार से दिल्ली सरकार का अरविंद केजरीवाल ने पुल मुक्ति विजन करने पर 50,000 का जुर्माना लगाने की घोषणा की थी पिछले साल, ऐसे ही छठ घाटों पर उनके पूरे SPO के गुंडे गुंडियों की फौज यमुना में छठ पूजा करने वालों पर डंडे बरसा रही थी, उनको रोक रही थी। ये सब हमने कोर्ट को बताया कि ये सब ठीक नहीं है। इसके अलावा जो हमने अपनी याचिका थी जो हमने 25/9/2023 को दी थी, उसमें स्पष्ट किया था कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना किसी भी न्यायाधीश का ठीक नहीं है। ये हमारी धार्मिक भावनाएं हैं और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कितना बड़ा दुष्परिणाम होता है, इसका परिणाम सुप्रीम कोर्ट के दीपक मिश्रा साहब ने देखा है। स्वामी ओम जी ने उनके कोर्ट में कहा था, जब वो सबरीमाला मामले में सुनवाई कर रहे थे तो स्वामी ओम जी ने उन्हें बताया कि आप भगवान अयप्पा ने 2 दिन पहले मुझे दर्शन दिए हैं, ये 1 अगस्त 2018 की बात है, और उन्होंने कहा कि तुम जजों को जाके, सुप्रीम कोर्ट के जजों को जाके समझाओ। उस समय चंचू साहब बैठे हुए थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि अगर जो मेरे मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की गई तो भगवान अयप्पा ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के जजों को कोर्ट नंबर 1 में स्वामी ओम जी ने सुनाया था कि इसका दुष्परिणाम होगा और महापर्य आएगा। 9 अगस्त को ही केरल में महापर्य आ गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और वो हिंदू धर्म पर हमला करने में लगे रहते हैं। इसके अलावा स्वामी ओम जी और हम जब यमुना के फूल मूर्ति विसर्जन की बातें कर रहे थे, उन पर रोक के खिलाफ हम NGT में भी आ रहे थे, तो हमने NGT के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार का आदेश पढ़कर सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने फूल मूर्ति विसर्जन पर कभी रोक नहीं लगाई है और अधिक से अधिक घाट बनाए जाए, किंतु इस सबको न सुनकर हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो कि सर्वथा अनुचित है। श्री न्यायाधीश श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी ने हमें आश्वासन दिया कि उनकी धार्मिक भावना, आपकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखेंगे और उन पर गौर करेंगे। इसके अलावा हमने उनको बताया कि कोर्ट इस तरह की फैसले लेते हैं, हमारे कांवड़ यात्री 3-3 करोड़ कांवड़ लेकर नंगे पांव चलकर आते हैं, ये हमारी भावनाएं हैं, कोर्ट भले माने ना माने, किंतु यदि हमारी भावनाओं से खिलवाड़ होता है तो उसका दुष्परिणाम हुआ है। दीपक मिश्रा साहब स्वामी ओम जी को ने मुझे बताया था कि वो जो राम जेठमलानी थे, उनके जब जिस दिन देहांत हुआ तो उनके घर पर मिले हुए, तो उन्होंने उनको कहा कि स्वामी जी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, और अन्य जजों से अनुरोध है कि किरण रिजिजू साहब ने जो बोला था कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था तो माफ़ करें, फोर्ड फाउंडेशन का पैसा खाना बंद करें और हिंदू धर्म के खिलाफ फैसले देना बंद करें। दिवाली के पटाखों पर इन्होंने रोक लगाई है, जबकि हमने याचिका लगाई थी कि दिवाली के पटाखों में किस प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, हमने पूरे आंकड़े दिखाए थे 2018 की दिवाली की रात का, दिवाली से पहले की, दिवाली के बाद का, 2019 के भी, 2020 का, 2021 का, सारे आंकड़े हमने दिखाकर साबित किया था कि दिवाली के पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड की बात रहा, जिसको ये हुआ खड़ा करते प्रदूषण का, वो तो 100 करोड़ किलो में कुल 1 किलो में एक मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ उसके नाते बता रहा हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 10 लाख किलो में कुल 4 किलो होती है, उसके बावजूद भी ये प्रदूषण के नाम पर हमारे त्योहारों को रोक लगा रहे हैं। और हमने लिखा था प्रदूषण संबंधी, दिवाली के पटाखों संबंधी एक याचिका NGT में लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, उसमें हमने लिखा था कि 2019 की बात है ये, जब तक कोरोना नहीं आया था, कि दिवाली के पटाखों पर रोक लगाकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश रची जा रही है। और कुछ याचिका में हमने ये बात लिखा था कि दिवाली के पटाखों में गंधक होती है, इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि एकमात्र गैस होती है जीवाणुनाशक, किंतु कोर्ट ने हमारी बात को नहीं सुना, जबकि इस मामले में NGT ने सुनवाई के लिए 15 जुलाई 2020 तय की थी, किंतु ये सुप्रीम कोर्ट के जज इतने झूठ हैं, बोबड़े साहब ये सब लोग, कि इन्होंने मुझे, क्योंकि उस जाति को सुनवाई ना हो सके, इसलिए 8 जुलाई को मुझे जगन्नाथ रथ यात्रा के मामले में गिरफ्तार कर लिया, एक एक अपराध में 4-4 मुकदमे दिए,
इस देश में कानून नहीं चल रहा है, इसके गुंडागर्दी चल रही है। जिसका जो मना रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज इस देश के कानून में पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, किंतु एक अपराध में मुझे चार चार मुकदमे देते हैं। दिल्ली में व्हाट्सअप मैसेज दिल्ली से प्रेषित होता है जो जैसा पुलिस का कहना है, किंतु कटक में, भद्रक में और बालेश्वर में मुझे मुकदमे दिए जाते हैं, 14 महीने तक जेल में रखा जाता है। इस देश का न्याय शासन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और मेरा इस देश की जनता से और जजों से अनुरोध है कि वो बांग्लादेश की हालत पैदा ना करे। अभी बांग्लादेश के जो आंदोलनकारी उन्होंने सभी जजों से इस्तीफा लिया है। मालदीव में भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वहाँ उनकी बहुत भयंकर पिटाई की थी वहाँ के राष्ट्रपति ने। एक हद तक रहे, सीमा तक रहे, संविधान का पालन करें। संविधान का अनुच्छेद 20 जो कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध में एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा, मुझे एक एक अपराध में चार चार मुकदमे दिए जा रहे हैं। ये सब गलत है और इस देश की जनता सब समझ रही है। जजों को ने संविधान पर हाथ रखकर उसके लिए सत्यावस्था की शपथ ली है। मेरे खिलाफ चार चार मुकदमे चलाना उनके अन्याय को जाहिर करता है और इसके कारण सुप्रीम कोर्ट से और अन्य कोर्टों से लोगों का विश्वास उठ रहा है। मेरे सर्वोच्च न्यायालय के जजों से अपील है कि मेरे खिलाफ जो चार चार मुकदमे चलाए जा रहे हैं, एक अपराध में एक मुकदमा चलाने की जो 20(2) अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित किया जाए, उसका पालन किया जाए, मेरे मानवाधिकार की रक्षा की जाए और जो भी तुम धर्म पर हमला कर रहे हो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यमुना मैया पिछले साल घुस हुई और उसने अपना रोग रूप दिखाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रही थी, यदि थोड़ा और रोग रूप गया सुप्रीम कोर्ट भी तो यमुना मैया में डूब जाता। तो मेरा यही कहना है कि आप बहुत सावधान रहें, ऐसा कोई कदम न उठाएं जो धर्म पर हमला। ठीक है, एक कोने में ले गए, उन्होंने कहा कि मेरी लड़की रात के 12 बजे अपने सारे कपड़े उतारकर मेरे कमरे में आ जाती है और लाइट भी बंद नहीं करने देती है। तो उन्होंने कहा कि